सिमडेगा जिले के बोलवा प्रखंड अंतर्गत केलेसेरा माझी टोली गांव की युवती का एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि बच्ची की किडनी निकालने से मौत हुई है। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार सिमडेगा जिले के बोलवा प्रखंड के अंतर्गत केलेसेरा माझी टोली गांव की 11 वर्षीय युवती मनीष कुमसर उर्फ मनीषा कुमारी 4 साल पहले आग की चपेट में आने से उसके चेहरे का कुछ भाग जल गया था। उसके परिजनों ने डॉक्टरों को दिखाया, इसके बाद एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में इलाज कराने के लिए ले जाया गया। 28 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया, इसके बाद इलाज शुरू किया। मरीज के माता सुरपति देवी ने बताया कि डॉक्टरों ने गलत तरीके से इलाज किया जिससे उसकी मौत हुई है। चेहरे की सर्जरी करनी थी लेकिन डॉक्टरों ने उसकी जांघ और पेट के बीच चीरफाड़ की और टांका लगाकर शव को सफ़ेद कपड़े से लपेटकर पैक करके सौंप दिया। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि शव को ले जाकर सीधे दफन कर देना। अस्पताल से परिजनों ने शव को जब घर ले आए और उसे खोल कर देखा तो उसके शरीर में एक भी कपड़ा पहना हुआ नहीं था और उसे सफ़ेद कपड़े से ढक कर पैक कर दिया गया था। उसके परिजनों ने गांव वालों को बताया कि लोगों की भीड़ हो गई। इसके बाद घटना की सूचना आकेतरा क्षेत्र में फैल गई। बोलवा थाना प्रभारी सोनू पाठक भी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने घटना की जानकारी ली। इसके बाद मृतक मनीषा कुमारी के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखित आवेदन दिया। आवेदन में बोलवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के लिए आगे की प्रक्रिया में जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सच्चाई सामने आना चाहिए और अगर मृतक मनीष कुमसर उर्फ मनीषा कुमारी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मैं हूं कालू कलको, आप लोग देख रहे हैं R9 भारत न्यूज चैनल के साथ। ये बोलवा प्रखंड के केलेसरा माझी टोली गांव में हम लोग उपस्थित हैं और यहां एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिससे प्रतीत हो रहा है कि यहां के एक मनीष कुमसरी और मनीषा कुमारी उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। कुछ साल पहले वह आग की चपेट में आने से उसका चेहरा जल गया था। इसके बाद उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर में ले गए और इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके बॉडी को पिक करके उसके परिजनों को सौंप दिया। जैसा कि बताया जा रहा है, उसकी माँ सुरपति देवी प्रत्यक्षदर्शी है, उनका कहना है कि हमारी बच्ची के साथ में ये गलत तरीके से इलाज किया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। और इसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे मीडिया के साथी पुलिसकर्मी बोलवा थाना से भी पुलिसकर्मी उपस्थित हैं और इसका सच्चाई जानने के लिए बोलवा पुलिस के पहल से उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेजने का तैयारी किया जा रहा है। अब देखना यह है पोस्टमार्टम के बाद कि उसका किस तरीके से इलाज हुआ है, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, इसकी सत्यता का पता चल पाएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरपति देवी है। क्या क्या घटना हुआ? मेरी बेटी को मैं स्किन के लिए मैं उसको सोलजोरी सेंटर लिया था, मैं भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल में लिया था सर। तो मेरी बेटी को वो लोग मेरे को हर चीज़ का दिलासा दिया था डॉक्टर लोग, कि मैंने बोला था कि मेरी बेटी का स्किन को सोलजोरी करवाना है, वो लोग बोला था ठीक है हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बोला कि देखो ऐसा मेरी बेटी है तो होगा क्या सर? वो बोला बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हारी बेटी का ठीक हो जाएगी बोला। तो वो लोग मेरे को पूरा कागज पत्र में पूरा हर चीज बच्चा का टेस्ट लिखवाया कि कैसे जल गया, क्या इसके जीवन में कोई बीमारी है क्या। मैंने हर एक बीमारी का मतलब उसको बता दिया था, जो भी मिल्क जो मिल्क होता है वो बीमारी को भी बताया था, लेकिन बोला था अभी मिल्क तो हो रहा था लेकिन 2 साल पहले से नहीं हो रहा है, पहले तो होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और एक अंग जो था उसका थोड़ा लूज है, जितना एक अंग चलता है राइट की तरफ तो उसका लेफ्ट की तरफ थोड़ा
कमजोर है बोला था, और मैं मेरी बेटी थोड़ा सा दिमाग की थोड़ा सा फ्यूज है बोला था, ठीक है, वो गिरने के वजह से ही, वो मिर्गी के वजह से ही दिमाग थोड़ा सा फ्यूज है, और अभी तो मिर्गी नहीं गिर रही है, इसके वजह से उसके दिमाग लौट आ रही है बोला, अपने से लौट रही है बोला। तो वो लोग हर चीज को ऐसे रिपोर्ट बनाया सर। उसके बाद हमको ऑपरेशन लाइन में मेरी बेटी को ले गया, ठीक है, तो हमको बिल्कुल पेशेंट के पास रहने नहीं देते थे वो लोग। फिर भी मैंने डॉक्टर से सलाह लिया कि मेरी बेटी अपना काम कर नहीं सकती है सर, इसलिए मैं बेटी के साथ रहने चाहती हूँ। वो बोला कि ठीक है तुम रह सकते हो, बाकी इसको ये क्या चीज का इलाज कराने लगे थे? ये चेहरा का स्किन, हाँ, ये आँख जो इसका आँख थोड़ा ऐसा झूल गया था, और ये मुंह का जो था एक साइड थोड़ा ऐसे उलट गया था, तो ये मुंह का ही थोड़ा मैं टेस्ट इसका ऑपरेशन करने बोला था, इसको थोड़ा कि सीधा कर दो कि उसका खाने से पानी मुंह से ना गिरना चाहिए, और ये आँख जो है सर हो गया, तो सर अगर हो सकता है तो ये आँख को मेरी बेटी का ठीक कर दो, ठीक है, ये यहाँ जो मांस उधर हो गया है उसको इधर कर दीजिए। वो बोला ठीक है, और बाकी गाल की तरफ भी जला था, इधर भी जला था, लेकिन मैंने गाल को सलाह नहीं दिया है, उसको कान की तरफ भी सलाह नहीं दिया है, और वो भी बोला ठीक है नहीं करूंगा, और वो भी बोला मेरे को हर चीज का मतलब पूछा, देखो तुम्हारी बेटी का स्किन जो आंख इधर झूल गया है, तो उसके लिए मेरे को मांस जो चमड़ा होता है वो जंग का यहाँ से पतला सा लेना पड़ेगा बोला। तो मैंने ठीक है सर, जंग से लेंगे तो मैं सलाह दूंगी, लेकिन पेट की तरफ करेंगे तो मैं सलाह नहीं दूंगी। वो बोला नहीं पेट में क्यों लेंगे, ये तो जोंग का ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन सर उसको ऑपरेशन के बाद में पता चला है, और हमको जैसे ऑपरेशन वो लोग परसों सुबह ठीक है, बच्चा को जैसे 11 बजे लिया, उसको तो खाना पीना पानी कुछ भी नहीं दिया, और ऑपरेशन लाइन 11 बजे लिया, और उसको शाम को 5:30 बजे ऑपरेशन लाइन से बाहर किया है, और वो लोग मेरी बच्चे को उतना तक से मेरे को मिलने नहीं दिया था, जब उसका बहुत ज्यादा छटपटी छूट रही थी तो मैं उसको 6 से ऑपरेशन लाइन से वो लोग आईसीयू रूम में रखा हुआ, तो मैं उस रूम में पूरा गई, छेद जो है जो थोड़ा दिखता है, मैं वहां से देखी तो मेरी बेटी बहुत छटपट आ रही है, तो उसको पाइप पूरा नाक से लगा रहे हैं, मुंह से पाइप को लगा रहे हैं, लेकिन मैं जाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सिक्योरिटी लोग मेरे को पूरा धक्का मार के निकाल दिया सर। उसके बाद मेरी बेटी को ऐसे करके कैसे क्या धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया, धमका चमका के बाहर निकाल दिया। उसके बाद एक ही बार मेरा मन किया कि 12:30 बजे रात को मेरी बेटी को एक बार देखने ही जाती हूँ, फिर मैंने पूरा जबरदस्ती ही गई ऊपर, एकदम किसी के बात को जबरदस्ती ही गई, धक्का मार के वही जो है वो आइस का रूम है, हाँ आईसी रूम जो है उसमें धक्का मार के गया, तो मेरी बेटी देख के ये माँ इधर आओ ना माँ, ये पाइप को निकालो माँ ना, ये इधर आओ ना माँ, ये पाइप को निकालो। तो मैंने बोला डॉक्टर को, हे डॉक्टर मेरी बेटी को पाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, पता चल रहा है सर, हो सकता है तो पाइप को निकाल दीजिए। डॉक्टर ने बोला ये पाइप हम नहीं निकाल सकते हैं, पाइप निकालने से बच्चा नष्ट हो जाएगा। मैंने बोला मेरी बेटी के पास रहने चाहती थी, और लेकिन डॉक्टर जो अंदर रहता है रात की ड्यूटी में, वो मुझे धक्का मार के चमका धमका के बाहर निकाल दिया सर, बहुत ज्यादा चमकाया मेरे को, और मैंने वो छेद से मैं देख रही हूँ, डॉक्टर को पता नहीं था कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ उसको, और मेरी बेटी को बोल रही थी अंदर से, वो बेड में सो रही है और वो छटपट आ रही है मम्मी। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो बोला डॉक्टर उसके पास गया, तुम्हारी मम्मी से मिलोगी? वो बोला मम्मी से नहीं, क्योंकि मैं उसके पास 2 मिनट पहले जा चुकी थी। पापा से मिलोगी? हाँ पापा के साथ मिलूंगी, लेकिन वो बोला छटपटा लो जितना मर्जी छटपटाना है, किसी को तुमसे हम मिलने नहीं देंगे बोला। मेरी बेटी वैसे ही मैं ऐसे कर गया सर, और ऐसे ही करते करते मेरी बेटी का प्राण वहीं पर छट। अच्छा ये बताइए कि इसका जैसे जांग में जैसे ये जांग का स्किन लेना था, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि पेट का स्किन लिया गया, इसमें क्या क्या ये है? इसमें हम लोग जो हमको पता नहीं था, तो मैं डॉक्टर को बोला, हर चीज को मैंने पूछने लगा डॉक्टर को। मेरी बेटी को जब डेड हो गया सुबह, वो बोलते हैं सुबह और रात भर देखे नहीं तो सो रहे थे, बेहोश का और इंजेक्शन दे दिए कि क्या कि मेरी बेटी छटपटा के उसी समय वो हो गई, मेरे को तो अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद जब उसका धड़कन नहीं आ रहा है, तो मेरे को तो एक बार भी अंदर जाने नहीं दे रहा है, तो
फिर से मैंने सुबह छह बजे और मैंने दौड़ के गई सर, ठीक है। तो मेरे बेटी का छाती में बहुत ज्यादा बेंड कर रहे हैं, तो मैं धक्का लगा के फिर अंदर गया, तो और मुझे धक्का लगा के निकाल दिया सर। वहां पर मैं उंडल उंडल के रो रही हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद डॉक्टर निकल के बोल दिया तुम्हारी बेटी का प्राण अभी नहीं है, बॉडी का क्या करना है तुम कर सकते हो। तो मेरे को क्या लगेगा सर, लेकिन यहाँ पर वो लोग काटा है हमको नहीं बताया है, जो पेट में काटा है वो बेटा हम बोलते हैं यहाँ पर शायद काटा होगा, तो देखते हैं बॉडी को डेथ होने के बाद, ठीक है। जो पेम्पस होते हैं ना उसको यहाँ पर पेम्पस में मोड़ दिए हैं, जो यहाँ काटा हुआ। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरपति देवी है। क्या क्या घटना हुआ? मेरी बेटी को मैं स्किन के लिए मैं उसको सोलजोरी सेंटर लिया था, मैं भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल में लिया था सर। तो मेरी बेटी को वो लोग मेरे को हर चीज का दिलासा दिया था डॉक्टर लोग, कि मैंने बोला था कि मेरी बेटी का स्किन को सोलजोरी करवाना है, वो लोग बोला था ठीक है हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बोला कि देखो ऐसा मेरी बेटी है तो होगा क्या सर, वो बोला बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हारी बेटी का ठीक हो जाएगी बोला। तो वो लोग मेरे को पूरा कागज पत्र में पूरा हर चीज बच्चा का टेस्ट लिखवाया कि कैसे जल गया, क्या इसके जीवन में कोई बीमारी है क्या, मैंने हर एक बीमारी का मतलब उसको बता दिया था, जो भी जो मिल्क होता है वो बीमारी को भी बताया था, लेकिन बोला था अभी मिल्क तो हो रहा था लेकिन 2 साल पहले से नहीं हो रहा है, पहले तो होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, और एक अंग जो था उसका थोड़ा लूज है, जितना एक अंग चलता है राइट के तरफ तो उसका लेफ्ट की तरफ थोड़ा कमजोर है बोला था। और मैं मेरी बेटी थोड़ा सा दिमाग की थोड़ा सा फ्यूज है बोला था, ठीक है, वो गिरने के वजह से ही वो मिर्गी के वजह से ही दिमाग थोड़ा सा फ्यूज है, और अभी तो मिर्गी नहीं गिर रही है इसके वजह से उसके दिमाग लौट आ रही है बोला, अपने से लौट रही है बोला। तो वो लोग हर चीज को ऐसे रिपोर्ट बनाया सर, उसके बाद हमको ऑपरेशन लाइन में मेरी बेटी को ले गया, ठीक है। तो हमको बिल्कुल पेशेंट के पास रहने नहीं देते थे वो लोग, फिर भी मैंने डॉक्टर से सलाह लिया कि मेरी बेटी अपना काम कर नहीं सकती है सर, इसलिए मैं बेटी के साथ रहने चाहती हूँ। वो बोला कि ठीक है तुम रह सकते हो। बाकी इसको ये क्या चीज का इलाज कराने लगे थे? ये चेहरा का स्किन, हाँ, ये आँख जो इसका आँख थोड़ा ऐसा झूल गया था, और ये मुंह का जो था एक साइड थोड़ा ऐसे उलट गया था, तो ये मुंह का ही थोड़ा मैं टेस्ट इसका ऑपरेशन करने बोला था, इसको थोड़ा कि सीधा कर दो कि उसका खाने से पानी मुंह से ना गिरना चाहिए, और ये आँख जो है सर हो गया, तो सर अगर हो सकता है तो ये आँख को मेरी बेटी का ठीक कर दो, ठीक है, ये यहाँ जो मांस इधर हो गया है उसको इधर कर दीजिए। वो बोला ठीक है, और बाकी गाल की तरफ भी जला था, इधर भी जला था, लेकिन मैंने गाल को सलाह नहीं दिया है, उसको कान की तरफ भी सलाह नहीं दिया है, और वो भी बोला ठीक है नहीं करूंगा, और वो भी बोला मेरे को हर चीज का मतलब पूछा, देखो तुम्हारी बेटी का स्किन जो आंख इधर झूल गया है तो उसके लिए मेरे को मांस जो चमड़ा होता है वो जंग का यहाँ से पतला सा लेना पड़ेगा बोला। तो मैंने ठीक है सर जंग से लेंगे तो मैं सलाह दूंगी, लेकिन पेट की तरफ करेंगे तो मैं सलाह नहीं दूंगी। वो बोला नहीं पेट में क्यों लेंगे, ये तो जोंग का ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर उसको ऑपरेशन के बाद में पता चला है, और हमको जैसे ऑपरेशन वो लोग परसों सुबह ठीक है, बच्चा को जैसे 11 बजे लिया, उसको तो खाना पीना पानी कुछ भी नहीं दिया, और ऑपरेशन लाइन 11 बजे लिया, और उसको शाम को 5:30 बजे ऑपरेशन लाइन से बाहर किया है, और वो लोग मेरी बच्चे को उतना तक से मेरे को मिलने नहीं दिया था, जब उसका बहुत ज्यादा छटपटी छूट रही थी तो मैं उसको 6 से ऑपरेशन लाइन से वो लोग आईसीयू रूम में रखा हुआ, तो मैं उस रूम में पूरा गई, छेद जो है जो थोड़ा दिखता है, मैं वहां से देखी तो मेरी बेटी बहुत छटपट आ रही है, तो उसको पाइप पूरा नाक से लगा रहे हैं, मुंह से पाइप को लगा रहे हैं, लेकिन मैं जाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सिक्योरिटी लोग मेरे को पूरा धक्का मार के निकाल दिया सर। उसके बाद मेरी बेटी को ऐसे करके कैसे क्या धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया, धमका चमका के बाहर निकाल दिया। उसके बाद एक ही बार मेरा मन किया कि 12:30 बजे रात को मेरी बेटी को एक बार देखने ही जाती हूँ, फिर मैंने पूरा जबरदस्ती ही गई ऊपर,
एकदम किसी के बात को जबरदस्ती गई, धक्का मार के वही जो है वो आईस का रूम है, हाँ आईसी रूम जो है उसमें धक्का मार के गया। तो मेरी बेटी देख के, ये माँ इधर आओ ना माँ, ये पाइप को निकालो माँ ना, ये इधर आओ ना माँ, ये पाइप को निकालो। तो मैंने बोला डॉक्टर को, हे डॉक्टर मेरी बेटी को पाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, पता चल रहा है सर, हो सकता है तो पाइप को निकाल दीजिए। डॉक्टर ने बोला ये पाइप हम नहीं निकाल सकते हैं, पाइप निकालने से बच्चा नष्ट हो जाएगा। मैंने बोला मेरी बेटी के पास रहने चाहती थी, और लेकिन डॉक्टर जो अंदर रहता है रात की ड्यूटी में, वो मुझे धक्का मार के चमका धमका के बाहर निकाल दिया सर, बहुत ज्यादा चमकाया मेरे को। और मैंने वो छेद से मैं देख रही हूँ, डॉक्टर को पता नहीं था कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ उसको, और मेरी बेटी को बोल रही थी अंदर से, वो बेड में सो रही है और वो छटपटा रही है मम्मी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो बोला, डॉक्टर उसके पास गया, तुम्हारी मम्मी से मिलोगी? वो बोला मम्मी से नहीं, क्योंकि मैं उसके पास 2 मिनट पहले जा चुकी थी। पापा से मिलोगी? हाँ पापा के साथ मिलूंगी, लेकिन वो बोला छटपटा लो जितना मर्जी छटपटाना है, किसी को तुमसे हम मिलने नहीं देंगे। बोला मेरी बेटी वैसे ही मैं ऐसे कर गया सर, और ऐसे ही करते करते मेरी बेटी का प्राण वहीं पर छट। अच्छा, ये बताइए कि इसका जैसे जांग में जैसे ये जांग का स्कैन लेना था, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि पेट का स्कैन लिया गया, इसमें क्या क्या ये है इसमें? हम लोग जो हमको पता नहीं था, तो मैं डॉक्टर को बोला, हर चीज को मैंने पूछने लगा डॉक्टर को। मेरी बेटी को जब डेड हो गया सुबह, वो बोलते हैं सुबह और रात भर देखे नहीं तो सो रहे थे, बेहोश का और इंजेक्शन दे दिए कि क्या कि मेरी बेटी छटपटा के उसी समय वो हो गई, मेरे को तो अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद जब उसका धड़कन नहीं आ रहा है, तो मेरे को तो एक बार भी अंदर जाने नहीं दे रहा है, तो फिर से मैंने सुबह छः बजे और मैंने दौड़ के गई सर, ठीक है। तो मेरे बेटी का छाती में बहुत ज्यादा बेंड कर रहे हैं, तो मैं धक्का लगा के फिर अंदर गया, तो और मुझे धक्का लगा के निकाल दिया सर। वहां पर मैं उंडल उंडल के रो रही हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद डॉक्टर निकल के बोल दिया, तुम्हारी बेटी का प्राण अभी नहीं है, बॉडी का क्या करना है तुम कर सकते हो। तो मेरे को क्या लगेगा सर, लेकिन यहाँ पर वो लोग काटा है, हमको नहीं बताया है जो पेट में काटा है वो बेटा, हम बोलते हैं यहाँ पर शायद काटा होगा, तो देखते हैं बॉडी को डेट होने के बाद, ठीक है। जो पेम्पस होते हैं ना, उसको यहाँ पर पेम्पस में मोड़ दिए हैं, जो यहाँ काटा हुआ